लेना और जमीन लेकर नौकरी देना यह बहुत ही कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। पैसे या जमीन ले ली गई है उतने लोगों को तो उन्होंने नौकरी भी नहीं दी है। देखिए आप उस संस्कार के तो हम हैं और जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। रेलवे में नौकरी के बदले गरीबों से, बेबस नौजवानों से, बेरोजगार नौजवानों से और उनके अभिभावकों से जमीन लेना और जमीन लेकर नौकरी देना यह बहुत ही कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। और मैं तो यह कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने ज़मीन दी है या किसी न किसी रूप में उनकी भ्रष्टाचार के हिसाब से जो जो चीज़ हुआ है, जितना उनसे पैसे या ज़मीन ले ली गई है उतने लोगों को तो उन्होंने नौकरी भी नहीं दी है। और किसी एक जिम्मेवार पद पे रहकर इस तरह का घोटाला करना, भ्रष्टाचार करना कानून के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा अपराध है। और मैं तो कहना चाहूँगा पूरे तेजस्वी जी से, लालू जी से और उनके पूरे परिवार से और जिनका जिनका नाम इसमें उसे सारे लोगों से कि क्या सीबीआई जो स्वतंत्र इकाई है तो अपराध करने वालों को, घोटाला करने वालों को, नौकरी के बदले जमीन लेने वालों को क्या उनको मिठाई खिलाएगी कि कानून उस पर कार्रवाई करेगी? जो कार्रवाई हुई है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और तभी जाकर भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। प्रताप कह रहे हैं कि दामाद हैं ईडी सीबीआई बीजेपी के। देखिए आप उस संस्कार के तो हम हैं नहीं, लेकिन सरकार तो सरकार में तो वह भी रहे हैं। कांग्रेस के साथ तो आरजेडी भी सरकार में रही है, कांग्रेस भी सरकार में रही है, कम्युनिस्ट भी सरकार में रही है और आज जदयू के साथ उनकी सरकार है। तो इस तरह की अभद्र भाषा बौखलाहट में बोली जाती है और जनता इसको देख रही है। अब जो जिस प्रकार के भ्रष्टाचार में यह लिप्त है और उस परिवार के और इस सरकार के किसी मंत्री के द्वारा जो बिहार की सरकार है, इस तरह की बात करना बहुत ही घोर और आपत्तिजनक है। सीबीआई क्या करेगी? कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी या उनको भ्रष्टाचारियों को मिठाई खिलाएगी? बिहार की जनता देख रही है, अच्छा से हिसाब करेगी। आरक्षण में भी आरक्षण की बात हो रही है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 33% नहीं से 50% कर देना चाहिए। देखिए महिला, महिला का सम्मान भारत की सांस्कृतिक विरासत में शुरू से रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और महिलाओं का आरक्षण 33% का आरक्षण अद्भुत, अनोखा और नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला और महिलाओं को सशक्त बनाने वाला यह विधेयक है।